हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे साइको मोटर डोमेन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, हम लोग कॉग्निटिव डोमेन पढ़ चुके हैं, हम लोग इफेक्टिव डोमेन पढ़ चुके हैं, मतलब संज्ञानात्मक आयाम पढ़ चुके हैं, शैक्षिक उद्देश्यों का भावात्मक आयाम पढ़ चुके हैं, और आज बारी है मनोगत्यात्मक आयामों की। शुरू करते हैं। डॉक्टर बेंजामिन एस ब्लूम इनिशिएटेड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग इन 1956 एज अ डिजाइन एंड इवेलुएशन टूल किट फॉर एकेडमिक एजुकेशन। बात हम लोग जानते हैं कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कब आई है, 1956 में आई है। और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बताया कि तीन आयाम होंगे, कौन कौन से, कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर। कॉग्निटिव डोमेन बात करेगा नॉलेज की, इफेक्टिव डोमेन एटीट्यूड, एक्सप्रेशन और इमोशंस की बात करेगा, जबकि साइकोमोटर डोमेन है जो स्किल्स की बात करेगा, मतलब कौशलों की बात करेगा। तो आज हम लोगों को यही बात करनी है। तो एक कि डोमेन क्या है, डोमेन का मतलब होता है सिंपली मीन्स कैटेगरी, कैटेगरी है डोमेन आयाम का मतलब। साइकोमोटर डोमेन क्या है, साइकोमोटर डोमेन इज स्किल बेस्ड एंड रिफर्स टू द लर्निंग ऑफ स्किल्स, मतलब ये कौशलों से युक्त है, कौशलों पर आधारित है, और कौशलों के अधिगम को ही हम मनोगत्यात्मक आयाम से जोड़ सकते हैं। जैसे फिजिकल स्किल्स आर द एबिलिटी टू मूव, एक्ट और मैनुअली मैनिपुलेट द बॉडी टू परफॉर्म अ फिजिकल मूवमेंट। ठीक है, टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी का मतलब होता है कि घटते से बढ़ता हुआ क्रम, इज ए स्ट्रक्चर, अ प्लान और चेकलिस्ट टू असिस्ट इन प्लानिंग ट्रेनिंग टू कवर ईच डेवलपमेंट स्टेज, मतलब डेवलपमेंटल स्टेजेस को स्टेज आना चाहिए टैक्सोनॉमी में। टैक्सोनॉमी हम लोग जूलॉजी में भी पढ़ते हैं, टैक्सोनॉमी हम लोग जब जंतु का हमें क्लासिफिकेशन बताना होता है वहां भी टेक्सोनॉमी का शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो वो भी चरण है कि किस गण का है, किस उपगण का है, किस वर्ग का है वो जंतु, इसको बताने के लिए उसी तरह से ये चरणबद्ध तरीका यहाँ भी फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा तो हो गया हमारा क्या कि डोमेन क्या है, साइकोमोटर डोमेन क्या है, टेक्सोनॉमी क्या है। अब क्या बात है, साइकोमोटर बिहेवियर कैसे आप पता लगाएंगे कि ये बिहेवियर साइकोमोटर बिहेवियर है। कह रहे हैं If you are trying to figure out if your behavior is cognitive, affective or psychomotor, जैसे आप चलाए पता चलेगा आपको कि ये संज्ञानात्मक है या भावात्मक है या मनोगत्यात्मक है। देखो क्या पॉइंट क्या है, स्पीड में भी ये फैक्टर इन साइकोमोटर स्किल्स, मोटर स्किल्स इन्वॉल्व होंगी ना, तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ गति होगी, कुछ ना कुछ गतिमक यहाँ पे भाव आएगा। इक्विपमेंट एंड और टूल्स में भी नीडेड टू परफॉर्म दी साइकोमोटर स्किल्स, यानी कि किसी ना किसी औजार, किसी ना किसी उपकरण की आपको आवश्यकता होगी अगर आप मनोगत्यात्मक कौशलों को परफॉर्म करने जा रहे हैं। टेस्टिंग रिक्वायर्स मोर देन जस्ट अ पेपर बेस्ड असेसमेंट एंड पेंसिल, मतलब जब आप साइकोमोटर स्किल्स की टेस्टिंग करेंगे तो आपको कागज कलम अलावा और असेसमेंट टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि सिर्फ पेपर पेंसिल से नहीं हो पाएगा। और साइकोमोटर स्किल्स नीड टू बी परफॉर्म्ड एंड ऑब्जर्व्ड टू डिटरमाइन मास्टरी ऑफ द स्किल, यानी कि जो साइकोमोटर स्किल्स हैं वो परफॉर्म और ऑब्जर्व करने के लिए हमें स्किल पे, पर्टिकुलर स्किल पे मास्टरी की अधिकम महत्ता क्या मास्टरी होनी चाहिए। हाँ अच्छा, जैसे एग्जाम्पल तो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो हो सकते हैं साइकोमोटर स्किल के, कि हाउ टू राइड अ बाइक, बाइक कैसे चलाना है, उसके लिए आपको बाइक चलाना पड़ेगा। रैपिंग अ प्रेजेंट, जैसे आपको कहा जाए कि आपको ये प्रेजेंट गिफ्ट है इसको रैप करके दिखाइए, तो आपको रैप करना पड़ेगा, उसमें आपके हाथ की मांसपेशियां इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, चेंजिंग अ डायपर, इस तरीके के कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। चेंजिंग अ डायपर में मतलब आपको उतारना पड़ेगा डायपर बच्चे का, बच्चे का डायपर चेंज करना पड़ेगा, तो इसमें आप कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं, यानी कि ना कोई कार्य इन्वॉल्व होगा इसमें। जबकि कौन सी चीजें साइकोमोटर डोमेन की हिस्सा नहीं है, टाइप्स ऑफ बाइक्स, पेंसिल से काम चल जाएगा आपका, आप लिख के बता दीजिए कितने प्रकार की बाइक होती है। टाइप्स ऑफ रैपिंग पेपर, कितने प्रकार के रैपिंग पेपर आते हैं। व्हाई बेबीज वेट देयर डायपर्स, क्यों पेपर डायपर गीला होता है। तो ये जो सवालों के जवाब होंगे वो आपके कॉग्निटिव इफेक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, जबकि ये कैसे करना है ये साइकोमोटर डोमेन के अंदर आता है। ठीक है, अच्छा देखिए सबसे खास बात ये आपको बताना है मुझे, देखिए साइकोमोटर डोमेन से पहले हमने कॉग्निटिव पढ़ा है, वो ब्लूम ने दिया है, उसमें दो बार आपको उसको पढ़ना पड़ता है कि एक बार ओरिजिनल टैक्सोनॉमी और दूसरी बार रिवाइज टैक्सोनॉमी। इसके अलावा किसी और ने कॉग्निटिव डोमेन पर अभी तक विशेष बात नहीं की है। फिर आपने दूसरा पढ़ा इफेक्टिव, तो एक ही बार रेथोल ने दिया है और उसके बाद उसके संग कोई भी बदलाव नहीं किया गया, वो अभी तक उसी रूप में पढ़ा जा रहा है। लेकिन साइकोमोटर डोमेन जो है वो तीन मेन इसमें हैं जिनके नाम प्रचलित हैं और चलते हैं। एक है आर एच डेव,
या कहीं कहीं हिंदी की बुक्स में डवे भी लिखा रहता है इसको, आरएच डेव 1967 में, जे सिम्पसन 1972 में, और 1972 में ही ए जे हैरो। ये तीन क्लासिफिकेशन हमको मिलते हैं, कोई बुक कोई फॉलो करती है, कोई क्लासिफिकेशन कोई कहीं आपको कहीं और मिलता है, इसीलिए आप अगर देने वाले के नाम पर ध्यान नहीं देंगे तो आप सोचेंगे कि कहीं पांच क्लासिफिकेशन मिल रहे हैं स्टेजेस, कहीं छह मिल रही है, कहीं सात मिल रही है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि किसने कौन सा दिया है। और एक जो लेटेस्ट है इनका ईयर इसमें नहीं मेंशन है, रोमिस्चोवस्की इनका सबसे लेटेस्ट है, और ये लेस नोन भी है, प्रचलन में नहीं है इतना। हम आपको ये बता दें कि ये जो है हमने तीनों का एक क्लासिफिकेशन आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है, जिससे आप तुलना कर सकते हैं कि डेव सिम्पसन और हैरो ने कौन सी बातें की है। ये डेव के क्लासिफिकेशन को अगर देखें तो इसमें सिर्फ पांच स्टेजेस हैं, कि सिम्पसन में सात स्टेजेस हैं और हैरो में छह स्टेजेस हैं। और इनमें से अभी सबके बारे में आपको बता देती हूँ एक हल्की सा ओवरलुक, डेव का जो प्रचलन है वो सबसे, डेव का जो वर्गीकरण है सबसे आसान भी है और सबसे ज्यादा प्रचलन में भी है, तो आप इसी को समझेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा पहली बात। दूसरी बात, आप कोई सा भी लिख सकते हैं एग्जाम में, लेकिन ध्यान आपको देना होगा कि किसने कौन सा दिया, कि देव के का हेडिंग है और अंदर क्लासिफिकेशन सिम्पसन का पड़ा है, या सिम्पसन में हैरो है, या सब आपस में मिला दिया, ये नहीं करना है। आपको याद होना चाहिए कि किसने कौन सा दिया है। अच्छा, अब जरा सा इसकी हेडिंग्स पे गौर फरमाइए, इसकी स्टेजेस पे उन्हें, तो रोमिस्चोवस्की ने एक तरीके से इसको क्लासिफाई कर दिया है कि कौन से मतलब कौन सी बिंदु हैं जिन पर ये चरणबद्ध इनका क्लासिफिकेशन आपको मिलता है। तो पहला जो उन्होंने मान के चले वो है एक्वायरिंग नॉलेज, यानी कि हम कितना ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। ज्ञान ग्रहण करने वाले में डेव ने कोई स्टेप नहीं बताया, जबकि सिम्पसन ने बताया परसेप्शन और हैरो ने बताया रिफ्लेक्स मूवमेंट। परसेप्शन का क्या मतलब, इन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया अवेयरनेस, यानी कि कोई भी अगर आप में कोई एक्ट देखा, साइकोमोटर डोमेन में क्या होगा, किसी एक्ट की ही आप को फॉलो करेंगे ना, उसको ऑब्जर्व करेंगे और उसको फॉलो करेंगे, जब आप फॉलो करना सीख जाएंगे इसका मतलब कि वो भाव अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। सिम्पसन कह रहे हैं एक्वायरिंग नॉलेज में कि आप परसीव करते हैं सिर्फ, कि हैरो कह रहे हैं कि रिफ्लेक्स मूवमेंट होता है, यानी रिफ्लेक्स मूवमेंट का मतलब क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया, यानी कि आपको करने की रिफ्लेक्स मूवमेंट, तो आप उसको रिवर्ट बैक एक्शन देते हैं। दूसरा पॉइंट अगर हम लेकर चले एग्जीक्यूटिंग एक्शंस, यानी कि क्रिया करने वाली स्टेज यहाँ आ गई है, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एक्शन आ गया है इंडिविजुअल। इस स्टेज पे डेव ने इसको नाम दिया है इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब आपको क्या होगा, अनुकरण करना, सीधे सीधे कॉपी करना, नकल करना, यानी कि जैसे मान लीजिए कि आपके क्लास में कोई आपका फेवरेट टीचर है, उससे पढ़ाने की कोई कला है, तो हम क्या करते हैं उसको कभी कॉन्शियसली कभी कभी अनकॉन्शियसली करने की कोशिश करते हैं। तो जब कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब हम उसकी तरह से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। किस स्टेज पर है, इमिटेशन की स्टेज पर, यानी कि एक्शन वाली स्टेज आ गई है हमारे पास, कौन सी, इमिटेशन। इसी को सिम्पसन ने नाम दिया है सेट, और हैरो ने नाम दिया है बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं ट्रांसफर की, यानी कि हमने पहले तो एक्शन किया और अब उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब हम इतने अब हम स्किल्ड हो गए हैं उस एक्शन में कि हम उसको ट्रांसफर, यानी कि उसका स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान का, एक कार्य से दूसरे कार्य में कर सकते हैं, यानी कि इसको डेव ने नाम दिया है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का नाम मतलब हम लोग इस सेंस में जनरली यूज करते हैं वो बातों को मैनिपुलेट करता है, यानी कि यहाँ इधर की बात उधर करता है, ऐसे समझ लीजिए। उसी तरह से कार्य में इधर का उधर करने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए बाइक चलाने, आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो उसमें आप जब स्कूटी चलाना सीखते हैं तो एक तरह से क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं एक्शन का, कि कुछ इसकी चीज उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, यूज हो जाती है ना। तो एक लेवल हम ऊपर चले गए किसमें, स्किल्स के एक्वेंटेंस में, है ना। उसी को सिम्पसन ने नाम दिया है गाइडेड रिस्पॉन्स और हैरो ने नाम दिया है परसेप्चुअल एबिलिटीज। ऑटोमेटाइजेशन पे आ जाइए, ऑटोमेटाइजेशन का मतलब कि उसी काम को हम ऑटोमेटिकली हो रहा है, मतलब हमको बहुत ज्यादा उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ रही है। जैसे आप रोटी बनाना सीखते हैं शुरू शुरू में, तो पहले हम इमिटेशन, इन्हीं वाले शब्दों को, इन्हीं वाली हेडिंग्स को वो कर लीजिए, तो पहले हम किसी का देखकर, अपनी माँ का, किसी का देखकर कॉपी करने की कोशिश करते हैं उस तरह से रोटी बनाने के लिए। हम मैनिपुलेट भी कर लेते हैं कि अच्छा इस तरह से भी हो सकता है, उस तरह से भी हो सकता है,
और फिर उसमें क्या होता है, प्रिसीजन आ जाता है, यानी कि हम और प्रिसाइज बनाने लगते हैं, मतलब बढ़िया और बनाने लगते हैं ऑटोमेटिकली। मतलब आप उस पर बहुत ज्यादा इम्फेसिस नहीं कर रहे हैं। जब आप रोटी बनाना पूरी तरह से सीख जाते हैं तब तो आपको नीचे देखने की जरूरत नहीं पड़ती मेरी तरफ, ठीक। स्केल मतलब हम धीरे धीरे इमिटेशन से मैनिपुलेशन और मैनिपुलेशन से डेवलप प्रिसीजन में स्किल्ड होते जा रहे हैं। तो सिम्पसन ने नाम दिया मैकेनिज्म, जबकि हैरो ने नाम दिया फिजिकल एबिलिटीज। नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब कि अब तो हम एकदम में हमारे लिए कोई विशिष्ट काम नहीं रह गया, वो अब हमारे लिए सामान्य काम बन गया है। तो हम इसमें आर्टिकुलेशन भी आ गया, यानी कि हमको और परिशुद्धि आ गई है उसको करने में। सिम्पसन ने नाम उसको दिया है कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स और हैरो ने नाम दिया स्किल मूवमेंट। और उसके बाद स्टेप में इन्होंने उसके बाद मतलब जनरलाइजेशन पे आप आ गए, इसका मतलब अब आप वो स्किल आ गई है। तो डेव ने एक और टर्म दिया है बाद में नेचुरलाइजेशन, जबकि सिम्पसन ने उसी को एडेप्टेशन कहा है और हैरो ने उसी को नॉन डिस्कर्सिव कहा है। नेचुरलाइजेशन का क्या मतलब, वो स्किल अब आपके लिए नेचुरल नेचुरल इवेंट की तरह हो गई। मतलब आप उसको इमिटेट भी कर लेते हैं, मैनिपुलेट भी कर लेते हैं, आप में उसमें परिशुद्धि भी है, और ज्यादा परिशुद्धि आ गई है, अब आपके नेचर का प्रकृति का हिस्सा बन गई है वो स्किल। आप साइकिल चलाना सीख जाते हैं तो आप दोनों हाथ छोड़कर साइकिल चला लेते हैं, आपको ध्यान नहीं देना पड़ता है कि अब कार चलाने की आदत हो जाती है तो आपको नीचे पैर नहीं देखना पड़ता कि एक्सीलेटर पे दबाना है कि ब्रेक पे दबाना है कि गियर बदलना है कि क्लच करना है। उसी तरीके से रोटी बनाने के एग्जाम्पल में अगर आप ले लें तो रोटी आप नेचुरली बना रहे हैं, रोटी बनाते बनाते आप सब्जी भी बना रहे हैं, आपको बिल्कुल देखना नहीं पड़ रहा है कि नीचे वो गोल हो रही है, टेढ़ी हो रही है, मेढ़ी हो रही है, क्योंकि वो अब आपकी प्रकृति का हिस्सा बन गई है। तो इस तरीके से मनोगत्यात्मक आयामों में इन चरणों के तहत आप निम्नतम से उच्चतम स्तर पर पहुंच सकते हैं और स्किल्ड हो सकते हैं। आपको ये ध्यान देना है कि आप इनमें से कौन सा तैयार करेंगे, कि देव का सबसे आसान है इसलिए मैंने आपको वही समझाया। आप इसमें से सिम्पसन भी तैयार कर सकते हैं, हैरो भी तैयार कर सकते हैं, सब में लगभग वही बात की गई है, बस नामकरण में थोड़ा थोड़ा अंतर है। सिम्पसन और हैरो के नाम भी आपको टफ पड़ेंगे, क्योंकि देव का नामकरण आसान है। इसी का देखो और इसका बेहतर तरीके से भी समझाया गया है। देव की साइको मोटर डोमेन की सिर्फ बात कर रहे हैं आप। In order to better understand the psychomotor domain, we will examine the psychomotor taxonomy adaptation developed by R.H. Dave. Okay. Following table examines Dave's psychomotor domain by listing psychical behavior descriptions for each stage, examples of activities, demonstrations, and evidence of learning, and last keywords or verbs that describe that stage. जैसे हमने psychomotor domain में action verb पढ़ा, जरा से आपको इसकी भी एक्शन वर्क की जरूरत पड़ेगी, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ देखिए स्टेज वन, मतलब यहाँ सीरियल नंबर है पहले नंबर पे, और दूसरा नंबर स्टेज है। स्टेज पहली कौन सी बताइए, डेव ने इमिटेशन बताइए। इमिटेशन का मतलब बिहेवियर डिस्क्रिप्शन, यानी कि व्यवहार को आप में कैसे वर्णन करेंगे कि कॉपी एक्शन ऑफ अनदर, यानी कि आप दूसरे का एक्शन कॉपी कर रहे हैं। इसी का देखो इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, जैसे वॉच टीचर और ट्रेनर, आप किसी अपने प्रशिक्षण आपको देता है उसको आप अपने अध्यापक एक्शन को रिपीट कर रहे हैं। एक्शन वर्ब्स क्या हो जाएंगे, चूंकि कॉपी करना है तो कॉपी, फॉलो, रेप्लीकेट, रिपीट, सब एक ही नाम है। मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन का मतलब रिप्रोड्यूस एक्टिविटी फ्रॉम इंस्ट्रक्शंस, कि जब आपको इंस्ट्रक्शन मिल रहा है तो आप उसको रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं, मतलब उत्पादित कर पा रहे हैं। तो इसका बिहेवियर क्या हो जाएगा कि कैरी आउट टास्क फ्रॉम रिटन और वर्बल इंस्ट्रक्शंस, यानी कि आप सबको सिर्फ लिखित या मौखिक निर्देश दिए जाने पर आप उस कार्य को संपादित कर पाते हैं। इसकी एक्शन वर्ब क्या हो जाएंगी, रिक्रिएट, यानी कि पुनः कर पा रहे हैं, बिल्ड, फॉर्म, एग्जीक्यूट, इम्प्लीमेंट। इसके हिंदी अर्थ देख लीजिए, सबके मोर और लेस एक ही अर्थ है। सीजन का मतलब एग्जीक्यूट स्किल रिलायबली या इंडिपेंडेंट ऑफ हेल्प, मतलब अब आप उस कौशल को और विश्वसनीय तरीके से एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं इंडिपेंडेंट ऑफ हेल्प, यानी कि अब आपको अपने टीचर और ट्रेनर की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ रही है। तो परफॉर्म अ टास्क और एक्टिविटी विद एक्सपर्टीज एंड टू हाई क्वालिटी विदाउट असिस्टेंस और इंस्ट्रक्शन, इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि आप किसी कार्य या क्रिया को एक्सपर्टीज के साथ परफॉर्म कर पा रहे हैं, हाई क्वालिटी का कर रहे हैं, इसमें आपको किसी की सहायता, किसी की निर्देश की भी आवश्यकता नहीं है। एंड एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट एन एक्टिविटी टू अदर लर्नर्स, और यहाँ पे आप डिमॉन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं, इतना आपको आ गया है कि आप खुद दूसरे को सिखा सकते हैं।
इसमें क्या क्या आ जाएगी एक्शन वर्ब, डेमोन्स्ट्रेट यानी वर्णन करना, कंप्लीट यानी संपादित करना, पूर्ण करना, शो दिखाना, परफेक्ट, कैलिब्रेट, कंट्रोल, प्रैक्टिस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज क्या है, आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का मतलब एडेप्ट एंड इंटीग्रेट एक्सपर्टीज टू सेटिस्फाई अ नॉन स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, यानी कि अब आप इतने एक्सपर्टीज हो गए हैं उसमें कि आप कुशल अनुकूलित तरीके से उसको समेकित कर पा रहे हैं किसी भी दूसरे कार्य के साथ। इसमें क्या हो जाएगा कि इसकी बिहेवियर क्या हो जाएगा, रिलेट एंड कंबाइन एसोसिएटेड एक्टिविटीज टू डेवलप मेथड्स टू मीट वेरिंग नोवेल रिक्वायरमेंट्स, यानी कि अब आपने एक तो मेथड को आपस में संबंधित करके जोड़ के आप कोई नई तरीके से एक्टिविटी कर पाने की यहाँ पे आप में क्षमता आ जाती है। और इसके एक्शन वर्ब हो जाएंगे कंस्ट्रक्ट, सॉल्व, कंबाइन, कोऑर्डिनेट, इंटीग्रेट, अडैप्ट, डेवलप, फॉर्मुलेट। आप इन सभी शब्दों की अपने हिंदी अर्थ देखिए और आपको खुद ही समझ में आएगा। एट लास्ट क्या है, नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन का मतलब ऑटोमेटेड अनकॉन्शियस मास्टरी ऑफ एक्टिविटी एंड रिलेटेड स्किल्स एट स्ट्रेटेजिक लेवल, यानी कि अब आप उसको ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियसली कर पा रहे हैं, यानी कि आप उस पर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं तब भी आप उस एक्टिविटी को आपकी मास्टरी हो गई है और आप उसको उच्च स्तर पर संपादित कर पा रहे हैं। और इसके बिहेवियर क्या हो जाएगा कि डिफाइन एम, अप्रोच एंड स्ट्रेटजी फॉर यूज ऑफ एक्टिविटीज टू मीट स्ट्रेटजिक नीड, एंड एट लास्ट इसके एक्शन वर्ब डिजाइन, यानी कि अब आप नमूना बना सकते हैं, स्पेसिफाई यानी विशिष्ट तरीके से कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं और प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हैं, ये सारे एक्शन वर्ब साइकोमोटर डोमेन के लिए हो जाएंगे। सही, हाँ, थ्री लेवल्स इन द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि जितने भी इन्होंने स्टेजेस बताए हैं उनको हम तीन भागों में बांट सकते हैं, तीन स्तरों में। तीन ही स्तर इन्होंने बात की है, इमिटेशन यानी कि अनुकरण करना है, मतलब उसका अभ्यास करना है, हैबिट मतलब वो आदत बन जाएगी। कि जो पांच हैं उनमें से उन्होंने तीन ही लेवल्स की बात की है, स्टेजेस जरूर पांच है पर लेवल सिर्फ तीन है, अनुकरण, अभ्यास और आदत। यानी कि हम किसी भी घटना का, किसी भी कौशल का, किसी भी कौशल आधारित अधिगम का पहले अनुकरण करते हैं, फिर उसका अभ्यास करते हैं और फिर हमारी आदत बन जाती है। ये आप सबका देखा, सोचा, समझा, अनुभव किया हुआ तथ्य है। इसका एग्जाम्पल है, नहीं है ये भी बता दिया इन्होंने कि इंस्ट्रक्टर क्या करेगा तो स्टूडेंट क्या करेगा, किस तरीके के इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए जाएंगे। जैसे आप देख लीजिए इमिटेशन में क्या होगा, इंस्ट्रक्टर क्या करेगा, इम्पार्ट कंटेंट नॉलेज या डेमोन्स्ट्रेट द एंटायर स्किल, यानी कि आपको किसी भी स्किल का हम डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि जूलॉजी की क्लास है, जूलॉजी लैब में है आप, जूलॉजिकल लैब में, और वहां पे आपको कोई डिसेक्शन दिखाया जा रहा है, स्टूडेंट क्या करेगा, जब हम टीचर का काम है उस डिसेक्शन कर रहा है तो स्टूडेंट कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ लिसन्स टू इंस्ट्रक्टर, ऑब्जर्व्स टू इंस्ट्रक्टर एंड अटेम्प्ट टू इमिटेट इंस्ट्रक्टर, यानी कि हम तब सिर्फ इसको ऑब्जर्व करेंगे, इसका प्रेक्षण करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि हम इसको उसी तरह से दोहरा पाए। टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन कौन से यूज हो जाएंगे, एक्सप्लेनेशन या तो व्याख्या की जाएगी, डेमोन्स्ट्रेशन आपको डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा आपके सामने, या गाइडेड प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास करना है पर किसी की गाइडेंस। मैनिपुलेशन में क्या होगा, बेसिक स्किल इनटू स्टेप बाय स्टेप एक्शंस, एक्सप्लेन ईच स्टेप, यानी मैनिपुलेशन में आपको ईच स्टेप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, और स्टूडेंट क्या करेगा, स्टूडेंट ट्राइज स्पेसिफिक स्टेप्स ओवर एंड ओवर, बार बार वो उन स्टेप्स को कोशिश करेगा करने की और पूरे स्किल को इस तरह से सीखने की कोशिश करेगा। और टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ क्या इन्वॉल्व है, गाइडेड प्रैक्टिस और फीडबैक, यानी कि आप शिक्षक की प्रेजेंस में उसका अभ्यास करेंगे और फिर आपको प्रतिपुष्टि प्रदान की जाएगी कि आपने बेहतर किया है, गलत किया है कि सही किया है। प्रिसीजन, प्रिसीजन का मतलब प्रोवाइड स्टूडेंट टाइम टू प्रैक्टिस अलोन, यानी कि अब टीचर का रोल खत्म है, उसने बता दिया, उसने आपको फीडबैक दे दिया, अब आप इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट को सिर्फ समय देगा कि वो स्वयं अपने से लर्निंग बाय डूइंग करें, और स्टूडेंट क्या करेगा, स्टूडेंट प्रैक्टिसेस अंटिल एबल टू परफॉर्म विद नो मिस्टेक्स, यानी कि आप तब तक कोशिश करेंगे उसको करने की जब तक आप बिना गलती के उसको परफॉर्म कर पाएं। और इंस्ट्रक्शन का यहाँ टाइप क्या रहेगा, प्रैक्टिस अलोन, यानी कि आपको सिर्फ अभ्यास करना है। आर्टिकुलेशन में क्या होगा, प्रोवाइड स्टूडेंट टाइम टू प्रैक्टिस अलोन, सेम यहाँ भी है, और यहाँ पे क्या है कि आप और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। उसी तरह से इंस्ट्रक्शन का टाइप क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस अलोन, प्रैक्टिस विद म्यूजिक। अच्छा, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, उसी की इन्होंने टेबल बताई है किस तरीके से आप इन चरणों के तहत कैसे कैसे
होगा। और लास्ट में नेचुरलाइजेशन में एसेस स्टूडेंट्स एंटायर परफॉर्मेंस, यानी कि जो आपने किया है शिक्षक का काम है उसको एसेस करना, और इंस्ट्रक्शन क्या इन्वॉल्व होगा, असेसमेंट। ओके डन। इस तरीके से हम लोगों ने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आज खत्म कर ली है, यानी कि हमने पहले बात की कॉग्निटिव डोमेन की, हमने बात की अफेक्टिव डोमेन की, और आज साइकोमोटर डोमेन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज अबाउट टू फिनिश। इसमें अभी और भी बहुत कुछ है जो बताया जा सकता है, लेकिन सब कुछ मैं नहीं बताऊंगी। अब थोड़ा आप खुद एक्सप्लोर कीजिए और इसको पढ़िए, अपने अनसॉल्व में देखिए किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन के आंसर आपको नोट्स में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। नहीं मिल रहे हैं तो आप ढूंढिए, ढूंढने से भी नहीं मिले तो फिर मुझसे पूछिए, फिर मैं आपको बताऊंगी।